बॉलीवुड की अब तक की सबसे बेस्ट एक्शन फिल्म कौन कौन सी आई जानते हैं। इससे पहले साउथ की बेस्ट एक्शन फिल्म के बारे में बता चुके हैं, तो आई जानते हैं बॉलीवुड की बेस्ट एक्शन फिल्म। पहले नंबर मेरा फेवरेट एक्शन फिल्म बॉलीवुड इंडस्ट्री की अब तक की वन ऑफ द बेस्ट एक्शन फिल्म रणवीर कपूर की एनिमल। क्या जबरदस्त फिल्म था। इस फिल्म का जो एक्शन, इस फिल्म की कहानी जो कि माइंड ब्लोइंग था, सबसे खतरनाक एक्शन फिल्म है बॉलीवुड की। और खास करके इस फिल्म में जो संदीप निवांगा का डायरेक्शन देखने को मिला था, सबसे जबरदस्त उसका डायरेक्शन था। और इस फिल्म की कहानी और इस फिल्म का एक्शन और मशीन गन जो चलाया गया था जो कि सबसे सुपर था, जो कि मूवी देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट किया था। इस फिल्म के ट्रेलर ने ही साफ काफ़ी हाइप बना दिया था और मूवी तो काफ़ी ज़बरदस्त है। आपने नहीं देखा तो जाके देखिए, एनिमल देख तो जरूर ही लिया होगा। और नंबर दो पे शाहरुख खान की जवान, क्या ज़बरदस्त फिल्म थी। शाहरुख खान और इटली कुमार का कॉम्बिनेशन देखने के बाद ये फिल्म तो दिमाग में से उतर ही नहीं रहा था। इतना ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिला और शाहरुख खान का इतने इतने अवतार एक फिल्म में देखने को मिला, जो कि ज़बरदस्त थी फिल्म। फिल्म में एक्शन भी काफ़ी अलग लेवल पर और शाहरुख खान का जो एक्टिंग लेवल था इस फिल्म में बवाल एक्टिंग था। और एक्शन तो हॉलीवुड लेवल का लग रहा था और साउथ का और वो डायरेक्टर बॉलीवुड का हीरो में कॉम्बिनेशन देखने में मज़ा आता है। इससे पहले संदीप निवांगा जो कि साउथ के डायरेक्टर और बॉलीवुड हीरो रणवीर कपूर, दोनों का कॉम्बिनेशन देखने में मजा आया। उसी तरह इस फिल्म में शाहरुख खान इटली कुमार का कॉम्बिनेशन जो कि ज़बरदस्त है। जवान फिल्म में भी काफ़ी एक्शन देखने को मिला है। और नंबर तीन पर पठान, शाहरुख खान की पठान में हॉलीवुड लेवल का एक्शन देखने को मिला था, जो कि एक स्पाइन वर्स की फिल्म है, लेकिन इस फिल्म का जो एक्शन था ज़बरदस्त था। वायरफ बाले की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म और वायरफ की स्पाइन वर्स की सबसे ज़्यादा कमाने वाली फिल्म भी है पठान ही, जो कि 1050 करोड़ का कलेक्शन किया था। और इस फिल्म में जो जॉन अब्राहम और शाहरुख खान का जो एक्शन देखने को मिला था एक साथ, जो कि ज़बरदस्त था। ये फिल्म भी आपको ज़रूर देखना चाहिए। और नंबर चार पर ये स्पाइन वर्स की वार फिल्म, इस फिल्म में जो ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ जो कि दोनों ही बॉलीवुड के बेस्ट एक्शन हीरो है, उन दोनों का एक्शन देखने में, साथ में जो कि इस फिल्म की कहानी और सिद्धार्थ आनंद का डायरेक्शन जो कि ज़बरदस्त था और मूवी देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट किया था। ये फिल्म भी बॉलीवुड की बेस्ट एक्शन फिल्म है, तो इसे एक बार आपको ज़रूर देखना चाहिए, जो कि इस फिल्म का जो कहानी और डायरेक्शन एक्शन काफ़ी ज़बरदस्त था। नंबर चार पे धूम 1, धूम 2, धूम 3, जो कि तीनों में बेस्ट एक्शन फिल्म, बाइक चेजिंग और इस फिल्म की कहानी, इस फिल्म में जो चोरी करता हीरो और पुलिस जो पकड़ता है, चोर पुलिस का कहानी जो देखने को मिलता है जो कि ज़बरदस्त है, माइंड ब्लोइंग कहानी रहता है तीनों फिल्म की। तीनों फिल्म में कहानी में विलन जो रहता है, जो कि मेन हीरो ही विलन रहता है, और इस फिल्म का जो मेन लीड एक्टर है वह अभिषेक बच्चन है, और तीनों फिल्म का हीरो बदलते रहता है, लेकिन अभिषेक बच्चन का कैरेक्टर सेम रहता है, जो कि मूवी की कहानी तीनों फिल्म में अलग अलग हीरो और तीनों फिल्म की कहानी ज़बरदस्त है। एक्शन भी काफ़ी अलग लेवल का देखने को मिलता है और तीनों फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुआ था। अब इसका चौथा पार्ट भी रिसर्च किया जा रहा है कि कब बनाया जाए, क्योंकि वायरफ वाले ही जो धूम फ्रेंचाइजी को चला रहे हैं, तो आपके हिसाब से धूम 4 में किसे नजर आना चाहिए कमेंट बताइएगा। और नंबर 5 पे अपने सलमान खान की टाइगर जिंदा है, क्या एक्शन देखने को मिला था इस फिल्म में, जो कि माइंड ब्लोइंग एक्शन था इस फिल्म का। और इस फिल्म की कहानी भी, और इस फिल्म में टाइगर जिंदा है में सलमान खान का असली एक्शन हीरो देखने को मिला था, जो कि सलमान खान ने फाड़ दिया था बॉक्स ऑफिस। उस समय 300 करोड़ का कलेक्शन किया था। और इस फिल्म में जो डायरेक्शन देखने को मिला था अली अब्बास जफर की, जो कि हाल फिलहाल में बड़े मियां छोटे मियां को डायरेक्ट किया था अली अब्बास जफर, जो कि अली अब्बास जफर की बड़े मियां छोटे मियां भी एक्शन काफ़ी ज़बरदस्त था, लेकिन कहानी काफ़ी ज़्यादा वीक था, जिस कारण से वो फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुआ, अपने बजट के आसपास भी नहीं गुजर पाई थी बड़े मियां छोटे मियां, इसलिए बड़े मियां छोटे मियां फ्लॉप कर गया। लेकिन टाइगर जिंदा है में जो डायरेक्शन देखने मिला था, लास्ट में जो वह सलमान खान जो निकला था गन लेके, इतना ज़बरदस्त सीन था, वह बॉक्स ऑफिस का हॉल फाड़ दिया था, इतना ज़बरदस्त मज़ा आया था देखने में। सलमान खान की फैंस के लिए वन ऑफ द बेस्ट एक्शन फिल्म है टाइगर जिंदा है। इधर सलमान खान की टाइगर 3 भी रिलीज हुआ, एक्शन फिल्म था, एक्शन भी अच्छा था फिल्म में, लेकिन कहानी कमजोर था। इंडिया पाकिस्तान का बार बार वही चीज़ घुसा देता है फिल्म में, तो इस कारण से ये फिल्म की कहानी थोड़ा कुछ खास नहीं था, इसलिए ये फिल्म बॉक्स ऑफिस में उतना कुछ खास कमाल नहीं कर पाया। लेकिन टाइगर 3 में भी एक्शन काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिलेगा। और उसके बाद आप ऋतिक रोशन की बैंग बैंग फिल्म देखिए, उस फिल्म में भी एक्शन काफ़ी ज़बरदस्त था, और बैंग बैंग को भी सिद्धार्थ आनंद ने डायरेक्ट किया, जो कि पठान को डायरेक्ट कर चुके हैं, वार को डायरेक्ट कर चुके, तो आपको बैंग बैंग देखना चाहिए। बैंग बैंग भी एक्शन काफ़ी ज़बरदस्त है। आप सैफ अली खान और जॉन अब्राहम की रेस 2 देखिए, जो कि ज़बरदस्त एक्शन है, और रेस 2 की कहानी भी ज़बरदस्त है, तो रेस 2 आपको एक बार ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि रेस 3 में सलमान खान आ गया, उसमें भी एक्शन ठीक ठाक था लेकिन कहानी काफ़ी कमजोर था, आपको रेस 2 देखना चाहिए। उसके बाद आप देख सकते हैं रणवीर सिंह और अर्जुन कपूर की गुंडे फिल्म, उस फिल्म में भी एक्शन काफ़ी ज़बरदस्त था, बॉलीवुड के दोनों यंग हीरो एक साथ नजर आए थे, जो कि एक्शन देखने में मज़ा आता है। और उसके बाद आप रणवीर सिंह की कोई भी बाजीराव मस्तानी, इस फिल्म का कहानी का सेटअप अलग था, लेकिन इस फिल्म का एक्शन उतना ज़बरदस्त नहीं था, क्योंकि कहानी रणवीर सिंह की फिल्म में अच्छा खासा रहता है। एक्शन फिल्म आपको देखना है तो गुंडे फिल्म ही देखिए। उसके बाद आप ऋतिक रोशन की विक्रम वेदा देख सकते हैं, विक्रम वेदा जो कि एक रीमेक फिल्म थी, लेकिन एक्शन ज़बरदस्त था। उसके बाद आप किसी भी हीरो का देख सकते हैं, जो भी एक्शन फिल्म है बॉलीवुड का, उतना कुछ खास नहीं है।